हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट्स को लेकर। मुंबई में रिकॉर्ड्स 1266 नए कोरोना केसेस निकल कर आए पिछले 24 घंटों में। 36 लोगों ने अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से गंवा दी। बात करते हैं अगर टोटल डेथ ऑफ सिटी यानी कि पूरे मुंबई में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,778 पहुँच चुका। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यह आंकड़ा 91,000 के पार पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना के केसेस की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार केसेस में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। काफ़ी कमी आने की वजह से अब महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक 1 जून से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आम जनता को एक बड़ी राहत मिल चुकी कि अब दुकानें खोलने का जो समय है उसमें काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से इसमें बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि लंबे समय से दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से व्यापारियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और व्यापारियों का प्रेशर भी सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से जो है बयान दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन अभी तक जिन दुकानों को अनुमति सरकार के द्वारा मिली, जो मानसून से जुड़े दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों को अब 6 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, लगभग 7 से 8 घंटे तक का जो सफ़र है दुकान खोलने का वो पूरा रहेगा। यानी कि 7 घंटे के पहले वो नहीं बंद कर सकते। जी हाँ, उनको अनुमति सरकार के द्वारा मिल चुकी है। इससे पहले दुकानों का समय सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है धीरे धीरे करके, और ये बदलाव धीरे धीरे करके 15 जून के बाद लगभग सभी दुकानें पूरी तरह से इस समय सारणी के हिसाब से चलेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। स्मार्ट टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।